यूपी के कन्नौज जिले में हर घर हो उजियारा नारा के साथ शुरू की गई प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना से गरीबों के घर कितने उजियारे हुए, अगर इसकी जमीनी हकीकत जाननी है तो इस खबर को जरूर देखें। दरअसल आनन फानन में नंबर बढ़ाने के लिए जिले के बिजली विभाग ने जिले को सौभाग्यशाली घोषित कर दिया। इस भागम भाग में लोगों के घरों में मीटर लगाकर कागजों में उनके घरों में बिजली दौड़ा दी गई, लेकिन जमीन पर हमने पड़ताल की तो मीटर तो घरों में लगे पाए लेकिन उनमें बिजली कनेक्शन नहीं था। अब जब ग्रामीणों को छल समझ आया तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और फिर बिजली सब स्टेशन का घेराव कर जमकर हंगामा किया। बिजली विभाग दफ्तर के बाद बिजली विभाग मुर्दाबाद का नारा लगा रहे ये ग्रामीण सौरिक थाने के चडरुआ गांव के रहने वाले हैं। इनका गुस्सा बिजली विभाग के अधिकारियों पर इसलिए है कि अधिकारियों ने अपनी कलम बचाने के लिए इन ग्रामीणों के साथ छल किया। गांव में खंबे गाड़ दिए, उन पर तार दौड़ा दिए, घरों में मोटर भी लगा दिए, लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद भी घरों में बिजली नहीं दी गई। 6 तारीख को प्राप्त हुआ, 6/8/2019 को, तो उसके लिए मैंने साहब को भी अवगत करा दिया और जो भी कार्रवाई संस्था उसको भी अवगत करा दिया। वो अभी तक इंजीनियर साइड पे पहुंच रहे, हम लोग भी साइड पे पहुंच के उसकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान तत्काल कर देंगे। इनका ये भी आरोप है, जो मीटर लगाया गया उसमें इन लोगों से 100-100 रुपये भी लिए गए, केबिल भी नहीं दी गई। उसकी अभी कोई भी जानकारी हमें उपलब्ध नहीं हो पाई है। अगर ऐसी भी कोई भी समस्या आती है तो उसका तत्काल कार्रवाई करेंगे। ये बताएं तो 5-5 रुपया ले दोबारा। वीरेंद्र सिंह किस पोस्ट पे हैं? नोडल अधिकारी सकरा। तेलंगाना के रहने वाले और गांव में लाइट नहीं पहुंचती, बच्चे मर रहे हैं, पूरा जीवन व्यतीत हो गया। चडरुआ के रहने वाले हैं हम सब लोग, और खम्मा गड़ गए, मीटर लग गए, कनेक्शन हो गया, लाइट नहीं पहुंच रही। आपने इसकी बात किसी अधिकारी से कही? नेता लोगों से कही थी, नेता लोगों ने सुनी नहीं, तब यहाँ तक आए अधिकारियों से बोले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम जानकी। राम होता शर्मा चढ़रुआ के। ब्रजेश कुमार, क्या मामला क्या है जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे गांव में सर कनेक्शन हो गए हैं और ग्राम मौजा चढ़रुआ पड़ता है डड़ौना के पास में, तो उसमें लाइट ही नहीं पहुंची है। कितने दिनों से लाइट गई नहीं, कनेक्शन हो गए, लाइट कनेक्शन ही नहीं किसी के, मतलब कनेक्शन है मतलब लाइट नहीं पहुंच रही है, खम्मा गड़े हैं, सारी बातें हैं। पोल कितने दिनों से गड़े हुए हैं? पोल 2 सालों से गड़े हैं। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हमारे गांव में बिजली पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री का सपना है घर घर बिजली, इस पे क्या कहेंगे आप? तो घर घर होना चाहिए सब। चढ़ौना से और रहने वाले हैं, और नाम रेखा देवी, पति को नाम श्याम लाल, और दुकान 3 साल हो गए, लट्ठा गड़े, कनेक्शन हो गए घर घर, और बत्ती नहीं पहुंच रही, बाल बच्चा सब मरे जा रहे हैं, इतनी पोजीशन है, और खाना बत्ती क्यों नहीं पहुंचती है? इससे पहले आपने किसी अधिकारी से अपनी शिकायत की है? अधिकारियां तो कुल शिकायतें पहुंच गई है, सुनाई नहीं। प्रधानमंत्री का सपना है घर घर बिजली, इस पे क्या कहेंगी आप? मैं तो कह देंगे किसी किसके घर में बत्ती है बताइए आप, किसके घर में बत्ती है, किसके घर में बत्ती हो बताए दे कि इसके घर में बत्ती है, किसी घर में बत्ती नहीं है। तो आप यहाँ किस लिए आई हैं? इसीलिए आए हैं कि कानो जनता को आपको कनेक्शन करे हुए हैं, फिर बत्ती क्यों नहीं पहुंच रही है, इसलिए आपसे आपके से निवेदन है सब लोगों से कि यहाँ तक आई मैं। क्या मामला है? ये हमारे यहाँ बिजली की समस्या है बहुत ज्यादा, ग्राम चढ़रुआ में यहाँ मीटर लग गई 6 महीने पहले से, हम लोगों ने साथ शिकायत करी, नेता लोगों से शिकायत करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई। लास्ट गांव अपना चढ़रुआ पड़ रहा मौजे डड़ौना में, मौजा डड़ौना में थाना सौरक में, अपना तहसील छिमरामऊ में पहला गांव पड़ रहा है, मतलब लास्ट गांव हमारा कन्नौज पड़ रहा है, लेकिन बिजली की समस्या हम लोग कहते कहते परेशान हो गए। ऑफिस में आके मैंने 2-3 दिन से शिकायत करी तो कल साहब जी साहब गए तो उन्होंने कहा कि हम आपकी मतलब सुनवाई करेंगे, अब वो करते या नहीं करते हैं वो उनके ऊपर निर्भर है। 4 साल हो गई ना गाड़ियों की लाइन, लट्ठे भी टूट गए, तार भी टूट गए, और 4 साल हो गई यदि लट्ठे गड़े हुए हैं, और दिखा रहे सप्लाई चल रही है और मच्छर कोई सप्लाई नहीं है हमारे यहाँ कतई। प्रधानमंत्री का सपना है घर घर बिजली, हाँ, लेकिन यहाँ तो घर घर क्या था, कहीं गांव में भी नहीं है, घर घर तो छोड़ो ना। क्या नाम है आपका? रामानंद गुप्ता। पिताजी का नाम? श्री शोभा राम गुप्ता। हम लोग साहब 50-60 जिसमें महिलाएं 20-25-30 महिलाएं भी हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए आए, यही साहब भूख हड़ताल कर देंगे, जब तक हमारी सुनवाई की कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग यही साहब पड़े रहेंगे। आपने अपनी समस्या एसडीओ साहब के पास क्या रखी है? हाँ रखी है, पर तो रखी। उसने क्या आश्वासन दिया आपको? तो आश्वासन ये दिया कि आप लोग आ जाइए, हम आपको जो है 2 दिन के अंदर लाइन
चालू करवा देंगे। और कल ही मैंने इस पर कार्यवाही शुरू कर दी है और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। और जो ग्रामीणों की समस्या है इस बारे में आप क्या कहेंगे, और भी समस्याएं वो बता रहे हैं जी, उसको हम संज्ञान में लेते ही धीरे धीरे कार्रवाई कर रहे हैं अपनी तरफ से।